कौन से आपसे दरखास्त करते हैं भाइयों बहनों कि क्या करना है, यहां से आवाज आई स्कूल बंद, आप क्या चाहते हैं स्कूल बंद होना चाहते हैं? मुझे पता नहीं कौन यहाँ के एमएलए हैं, अपने कार्य अपने क्षेत्र में जो स्कूल चल रहा है उसे बंद करने की नोटिस डीएमसी के माध्यम से भेजना गलत है कि शर्मा भाई आवाज और उठनी चाहिए, उनके कान तक पहुंचनी चाहिए। आप इनसे सहमत है तो हाथ ऊपर उठाइए। कौन सर पूरा परिवार आपका पेरेंट्स आपके साथ है। अजय कौन सर को मैं पिछले 20 साल से जान रहा हूं, मैं विधायक हूं आमदार हूं आपके तालीम के क्षेत्र का टीचरों का नुमाइंदा है, मैं जैसे आमदार खासदार होते हुए जनता से चुनके जाते हैं तो टीचर और जो लोग हैं शिक्षा क्षेत्र के लोग हैं वो विधान परिषद में अपना नुमाइंदा चुनते हैं उनमें से मैं, तो मेरी जिम्मेदारी है अजय कौल सर के साथ खड़ा रहना, आपके साथ खड़ा रहना, आपके स्कूल के साथ खड़ा रहना। उनकी स्कूल का नाम है चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल, बच्चों का वेलफेयर देखने वाला स्कूल, कोई भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। यदि बीएमसी ने पिछले महीने में मुंबई के 269 स्कूलों को इलीगल स्कूल तय करके नोटिस दिया था, हम मुख्यमंत्री के पास गए, आपके मुख्यमंत्री के पास, उन्होंने स्टॉप कर दिया वो नोटिस। ये तो स्कूल 40 साल से चालू है। अजय कौल सर का इतिहास आप देख लीजिए, वो कहां खड़े हैं? वो आपके राजनीति में दखल अंदाजी लेते? बिल्कुल नहीं। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में काम करते? बिल्कुल नहीं। वो तालीम के क्षेत्र में इनको क्या काम करते हैं और उस क्षेत्र में काम करने वाले जो पाक काम है पवित्र काम है जो पवित्र काम कर रहा है उनके ऊपर आप उंगली उठाते हैं। यहां जो अंधेरे की व्यवस्था है, रास्ते ठीक नहीं है, गटार ठीक नहीं है, पानी बह रहा है, पानी कई बस्ती में नहीं, कई सोसाइटी में ठीक तरह से पानी नहीं मिलता, आपकी जिम्मेदारी है ना भाई वो काम करो, स्कूल के पीछे लगे क्या मसल है, क्या बिगाड़ा आपने, क्या गरीब के बच्चे, क्या गरीब के बच्चे पढ़ना नहीं चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, क्या आपके पेट में क्या दुखता है? समझ में नहीं आता कि गरीब के बच्चे जहां पढ़ रहे हैं और कहीं मैंने स्कूल मैंने तो मैं तो पूरे मुंबई के हर स्कूल को जानता हूं, हर पीटी मीटिंग को जानता हूं, हल्दार साहब ऐसा चित्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपने इनका एनुअल फंक्शन देखा होगा क्या शानदार होता है, बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता जे कौन सर, मगर जो विश्वास आपने पाया है कौन सर, ये विश्वास आपको ताकत देगा और आपका कोई बाल इधर उधर नहीं कर पाएगा। एक बच्चे को करता है तरह से उन्होंने उस दिन कैमरा लाए, पुलिस लाई, अफसर आए, मैं आपको बताता हूं कानून ये कहता है कि स्कूल प्रिंसिपल के परमिशन के बिना कोई पुलिस इंस्पेक्टर भी अंदर नहीं जा सकता, पुलिस इंडियन इंस्पेक्टर साहब से जाते जाते बिना परमिशन बोलना पड़ता है कि प्रिंसिपल साहब हम अंदर आए, ये काम है, वो परमिशन देते तो अंदर आ सकते, जब तक स्कूल शुरू है तब तक आप अंदर नहीं आ सकते। हाँ बड़ा कोई दुर्घटना घटी तो दौड़ के सुनने 9 अक्टूबर को यहाँ मैं हादसा बोलता हूँ, कॉरपोरेशन ने जो मगरूरी दिखाई, पुलिस फौज ऐसे पद्धति से आए, इससे निषेध करने के लिए आज ये स्कूल बंद रखा सभी टीचरों ने। हम यहाँ के सभी लोक प्रतिनिधि उनको बुलाया, उसमें से मुझे भी निमंत्रण था, मैं यहाँ ये सपोर्ट के लिए आया हूँ। ये 30 बरस पुराना चल रहा है ये CWC, 4000 4000 बच्चे यहाँ शिक्षा लेते और
देखिए कि मैं जैसे भाषण में बोला कि जो लोक प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि को शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संस्था, इनके प्रति ध्यान देना है, जिम्मेदारी है। सरकार की रहती है, वैसे लोक प्रतिनिधि की रहती है। लेकिन यहाँ अपने अधिकार का गैर इस्तेमाल करके यहाँ के MLA ने कई झूठी खबरें कॉरपोरेशन को बताई, और कॉरपोरेशन ऐसे ढंग से आए कि जैसे कि यहाँ कोई एंटी सोशल एक्टिविटी चलती है। ये कॉरपोरेशन को भी शोभा नहीं देती है, पुलिस दल को भी शोभा नहीं देती है। अगर कॉरपोरेशन को इतनी हिम्मत है, पुलिस को इतनी हिम्मत है, तो असामाजिक तत्व और अनऑथराइज स्ट्रक्चर और अनऑथराइज एक्टिविटी इस क्षेत्र में चलते हैं, पूरे मुंबई में, उसको रोकने का काम करे इतना अधिकार जो आपके पास है, तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए, ताकि CWJC बहुत अच्छी संस्था 4000 विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम गए 30 बरस करती है। ये निषेध मैं करता हूँ इनका, और मैंने इसके बारे में आपसे जो मैं बोलता हूँ मैं लिख के भी दे दिया है कमिश्नर ने, और मैंने एक्शन मांगा है कि जो अधिकारी, जो पुलिस ऐसे विदाउट परमिशन जिन लोगों ने यह संस्था में एंट्री की है उसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर यह संस्था के बारे में अगर कोई जांच पड़ताल करनी है तो मैं अजय कौल से और ट्रस्टी से बोला हूँ कि कागजात जो है आपके पास सब कॉरपोरेशन को दिखाइए, वेरिफिकेशन करा के लीजिए। लेकिन आइंदा ऐसा कोई होना नहीं चाहिए, ये बात कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट में ध्यान में रखना चाहिए। कृतिकर साहब, मेरा सवाल आपसे है। मैडम लवेकर कहने की भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती है, इससे आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की भी छवि खराब होगी? क्योंकि आप खुद मानते हैं और हर कोई जानता है कि इस तरह की गैर इलीगल एक्टिविटी इस क्षेत्र में बहुत होती है, इसके बावजूद उसको ध्यान में ना रखते हुए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जो कहीं ना कहीं हजारों बच्चों को यहाँ से शिक्षा देता है, उसको बंद करने का, उसको बदनाम करने का जो प्रयास हो रहा है, उसके खिलाफ एक एक्शन होनी चाहिए। देखिए, मैं जो मैंने लिखा है कमिश्नर को, जिसमें मैंने मांग की है, जिसमें मैडम का मैंने उल्लेख भी किया है, यानी पॉलिटिकल दबाव करके, दबाव से ये एक्शन करा के लिए, और ये समझो कि उसकी तो प्रतिमा मलिन हो गई इसमें, लेकिन अपनी पार्टी की भी प्रतिमा मलिन की है उसने। तो ये उनके जो नेता लोग हैं उसको मैंने खत भेजा है, जो खत मैंने कमिश्नर को दिया उसकी कॉपी भेजी है, बोला कि आपके जानकारी के लिए। और मैं ये भी बोला सबको भी, आज ये जो निषेध पेरेंट एंड टीचर ने रखा है उस उधर जाके मैं करूँगा। मुझे मालूम है कि ये शिवसेना BJP हमारा ताल्लुकात है, हमारा अलायंस है, तो भी अगर समझो गैर कानूनी और गैर इस्तेमाल अगर अधिकार का कहीं कोई भी आमदार खासदार करेगा समाज के हित के खिलाफ, तो मैं उसके साथ उसको बैकिंग नहीं दूंगा, मैं संस्था के साथ रहूंगा। अजय कौल सर एक ऐसी शख्सियत है जिसको हर कोई जानता है, एक रोल मॉडल है, एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने कोरोना के वक्त में या एजुकेशन क्षेत्र में बहुत उम्दा रोल निभाया है, इसके बावजूद ऐसी शख्सियत को कोई बदनाम करता है, किसी रोल मॉडल को बदनाम करता है, आज उनको तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अजय कौल के बारे में तो आप सब जानते हैं, पूरी यहाँ के एरिया के लोग जानते हैं, यानी जाति धर्म का कुछ मन में हेतु नहीं रखते हुए अजय कौल करते। और जैसे आपने बोला कि कोरोना के समय में यहाँ के जो विद्यार्थी उसकी 2 करोड़ की फ़ी माफ़ी करना, मैं समझता हूँ कि मुंबई शहर में एकमात्र ये संस्था रहेगी जिन्होंने इतने औदार्य से काम किया। और ये जानबूझकर अजय कौल को मद्देनज़र रखते हुए उनको डैमेज करने का प्लान किसी का अगर रहेगा तो ये नामुमकिन रहेगा। हम जैसे सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हमारी पूरी शिवसेना अजय कौल के साथ रहेगी,
उसके साथ रहते रहे पार्टी में। लवेकर मैडम ने ये डिमांड की है कि इस स्कूल को बीएमसी के सौंप दिया जाए, आपको लगता है बीएमसी अजय सर से अच्छा स्कूल चला सकती है? नहीं, बीएमसी ने बहुत सारे जमीन अच्छे अच्छे स्कूल को दी है, जिसकी ताकत है चलाने की, स्कूल भी चलाने की ताकत चाहिए, ये चाहिए, तजुर्बा चाहिए। तो ऐसे बहुत स्कूलें हैं मुंबई शहर में जो जमीन नहीं ले सकती है, लेकिन ये शिक्षा के लिए आरक्षित किया हुआ भूखंड अच्छे संस्था को दिया जाता है, वैसे ही ले लिया 30 बरस पहले, आजकल की बात नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। क्या चलाएगी म्यूनसिपाल्टी? म्यूनसिपाल्टी के पास आज RGPG के इतने भूखंड है, रिक्रिएशन ग्राउंड और प्ले ग्राउंड, बहुत पैसा है, 52,000 करोड़ का बजट है बीएमसी के पास, लेकिन तो भी ये आरक्षित भूखंड, शिक्षा का तो छोड़ो लेकिन RGPG का भूखंड आज उसका डेवलपमेंट कर नहीं पाती है म्यूनसिपाल्टी। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, सर आइए ना, बोलना तो पड़ेगा सर। चलो आ जाए सर, आपको इतना इमोशनल होने की जरूरत पड़ी, हजारों लोग आपके सपोर्ट में, ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल को छू गई और बहुत दुख पहुंचाई आपको? देखिए, ऐसा है ना कि इंसान, जैसे मैंने कहा कि ये स्कूल की बिल्डिंग प्लान के मुताबिक बनी है, और 40 साल या 30 साल पुरानी बिल्डिंग जब बनी है तो यकीनन अगर कोई इसमें माइनर चेंजेस होंगे या कोई प्लान के मुताबिक कोई चीज़ ये हटाई गई होगी यहाँ से वहाँ, तो उसका हम लोग या तो पेनल्टी भरेंगे जो BMC के रूल्स में है, उसको रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे, और अगर BMC ने ये कहा कि भाई ये नियम में नहीं बैठता है, इसका डिमोलिशन होना चाहिए, तो यकीनन जो चीज़ें रूल्स में नहीं होगी तो हम रूल्स के खिलाफ जाके तो कुछ काम नहीं करेंगे, यकीनन वो जो भी हमें कहेंगे ये नियम के बाहर है उसका हम डिमोलिशन खुद करेंगे। दुख उस बात का नहीं है या जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए उसका भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि पिछले 42 सालों से BMC, स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट लगातार स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए आता है, और इंस्पेक्शन साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने में इंस्पेक्शन होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग बिल्डिंग प्रपोजल में हम लोगों ने CC के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए या IOD पास होती है उसके लिए BMC अधिकारी आके बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं। अभी वो कहते हैं कि OC नहीं ली गई है, तो अगर आप ऑनलाइन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि OC के लिए हमने ऑलरेडी अप्लाई किया है, लेकिन OC के कंप्लायंसेस इतने 30-32 होते हैं कि वो हमें कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ते हैं। अभी 1-2 जो NOCs हैं वो आने के बाद हमें OC मिल जाएगी, और अगर आपको लगता है हमने वो, अगर आप मलाड के इसको ये देखिए, अगर आज जो प्रेजेंट जो बिल्डिंग में बैठे इसका ऑक्यूपेशन पूरे 5 माले तक का है, और जो अभी कह रहे हैं कि आपने ये जो नियमों का उल्लंघन किया फायर NOC का, अगर आप देखेंगे CRZ का, मैंने अभी आपको पेपर दिया कि CRZ की NOC हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ली है। कहने का मतलब क्या है कि CRZ का क्लेरिफिकेशन तो BMC दे सकती है क्योंकि उन्होंने परमिशन दिया है, उनको पता है कि नियम में क्या बैठा है। दुख उस चीज़ का नहीं है, दुख इस चीज़ का है कि जब आप बहुत सारे लोगों को खड़े करके अनोनिमस 40-50 कंप्लेंट डालते हैं और किसी के कैरेक्टर के ऊपर बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को किसी के कैरेक्टर के बारे में बोलने का हक नहीं है, तो इस बात के लिए मुझे आज भी खेद और दुख है। सर, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, इस सब की शुरुआत कब हुई उस बारे में कुछ बताइए हमें, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने भारती जी के साथ भी किए हैं पास्ट में, तो अगर थोड़ा सा बताएं हमें। देखिए, कई सारे कार्यक्रम में वो जुड़ी भी रही, हमारी ऑनरेबल MLA डॉक्टर भारती लवेकर जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। 2018 तक उन्होंने 2 बार मुझे ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों अवार्ड 2 बार दिया। वो जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी उन्होंने मुझे 2 साल लगातार अवार्ड दिया। एक बार उन्होंने मेरे पास उनका सर्टिफिकेट है जो उन्होंने साइन किया है, तो एक है कि उन्होंने मेरे एजुकेशन फील्ड में काम करने के लिए मुझे अवार्ड दिया उनके हाथों से, और दूसरी बार मेरे सामाजिक कार्यों के लिए मुझे अवार्ड दिया गया। ये लगातार 2 साल उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। अब मुझे नहीं मालूम है कि 2019 तक तो हम
बहुत अच्छे थे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी को अवार्ड देते हैं, या मुझे जैसे महाराष्ट्र शासन ने 2002-03 में बेस्ट टीचर अवार्ड दिया, तो मेरी पूरी पुलिस वेरिफिकेशन हुई या जो भी उनके प्रोसीजर है उन्होंने वेरिफिकेशन करके मुझे अवार्ड दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि ये 4 सालों में मेरा कैरेक्टर इस बुढ़ापे में 65 ईयर्स के कैसे ख़राब हुआ, या ऐसी कौन सी इलीगेलिटी स्कूलों में नज़र आई जो 40 साल तक किसी को नज़र नहीं है। मैडम लवेकर जी के साथ बैठ कर रहा हूं, इनका ये कहना है कि सर एक्चुअल जो आपका सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसमें 10 रुपीज ईयरली आपको फीस वसूल करना चाहिए, नाउ यू आर चार्जिंग 70,000 to 1 lakh rupees। दैट इज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन। Once you say, please read the agreement, I am supposed to admit 10% of the students recommended by the municipal corporation. It is not 10% fees. It is students which are recommended by the municipal corporation. That is 10%. And as per the Maharashtra State Act and as per the Supreme Court orders, any educational institution, my fees is the most meager fees in this present institution as far as the locality is concerned, because I am catering to the underprivileged class of the society. As far as you are talking about CBSE schools, CBSE school has its training, its syllabus, its curriculum, its teaching aids, its smart board. So the fees are charged, and that is also permissible as per the Supreme Court orders. Sir, also कहा जा रहा है कि 1 rupees lease पे लिया गया था, उस बारे में अगर सर कुछ clear। मैंने already ये बात को बहुत detail में clear किया है कि 1 rupee प्लॉट नहीं था जब मेरे को सैंक्शन किया गया था, उसकी रेट्स लगाए गए थे 300 rupees पर स्क्वायर मीटर, और चैरिटेबल ट्रस्ट होने के नाते उसका 10% उन्होंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन के मुताबिक वो होता था 90,000 और 1,78,000 दो साल का ग्राउंड रेंट मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट BMC को भरा। उसके बाद क्योंकि ये दो प्लॉट 1035 और बाजू का प्लॉट इक्वली दिया गया था, तो हमको दोनों इंस्टीट्यूशन को 1 रुपया चार्ज किया गया था, और 1 रुपया चार्ज करने के बाद आप घड़ी घड़ी ये जो कह रहे हैं कि 1 रुपये में दिया गया था, हमारे यारी रोड के प्लॉट को उन्होंने 15,80,000 रुपया लगाया था जो हमने लगातार भरा, बलाड के प्लॉट को उन्होंने 2,80,000 रुपीज़ लगाया जो आज हर साल हम भर रहे हैं। और एक बात है ना कि 1 रुपया देने के बाद तो आप प्लॉट की बात करते हो, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके टीचरों की पगार, उसके नॉन टीचिंग स्टाफ के पगार, उसका मेंटेनेंस, बच्चों का बेंचेस, डेस्क, स्मार्ट बोर्ड्स, या जो मुझे असेसमेंट BMC लगाती है, जो मुझे टैक्सेस लगाती हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आज स्कूल का 2 लाख के करीब है महीने का, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 लाख रुपये में इंक्लूसिव है।